सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जीए चैनल को और बेल आइकन को इनेबल करें हमारे नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस प्रकार से ओकॉमर्स वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये मैं केवल थीम सेल करने वाला वेबसाइट बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका एक आपको हॉस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा। हॉस्टिंग आप कहाँ से लेंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक वेबसाइट का नाम है रिसेलर क्लब, यहाँ से सर्च कर लेंगे तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। ये मैं इसका कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यही हॉस्टिंग मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी आपको प्लान लेना होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा वेबसाइट, आप यहाँ से ले सकते हैं। वर्डप्रेस हॉस्टिंग जो भी आपको लेना होगा यहाँ से ले सकते हैं। अगर हॉस्टिंग के बारे में आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा कौन सा हॉस्टिंग बेस्ट है, वो यहाँ से आप इसे चूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इससे पहले, शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक और। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली हम इस वेबसाइट पे काम करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डोमेन नेम। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका डोमेन नेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें एक थीम की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्लैटसम थीम। ओके, थीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे एक हमारा ब्लॉग का लिंक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें फ्लैटसम का एक आर्टिकल मिलेगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक लिंक पे आपको एक लिंक वहाँ पे मिलेगा, लिंक मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है। मान लीजिए ये लिंक हमने दिया है तो इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और एक नए ब्राउजर में यहाँ पर खोलेंगे। डाउनलोड कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेल कर दो। तो यार कितने लोगों को मैं मेल करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही डाउनलोडिंग में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको इस वाले लिंक को ओपन करना है। लिंक जैसे ही ओपन करेंगे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओके, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आप जब इस साइट को खोलेंगे आपको बहुत सारे साइट को ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा किसी दूसरे साइट पर, तो उसको आपको नहीं लेना है, आपको केवल इसी साइट पर रहना है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए, कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। देखिए फिर से यहाँ पे दूसरा खुल गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर से इसी वाले लिंक पर हम रहते हैं। ओके, तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, जो इस पेज पर आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। डाउनलोड नाउ लिखा है, प्ले नाउ, इस पर नहीं क्लिक करना है आपको। सिंपली यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का है, इसमें आपको टिक मार्क मार देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर टिक हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू का बटन काम करने लगेगा। तो देखिए एक काम करने लगा, इस पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर से एक दूसरा ओपन हो गया ऐड, इसको हम काट देंगे, फिर से हम इसी साइड पे रहेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड चलेंगे। ओके, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से कीजिए। 10 सेकंड के बाद ये आपका ये गेट लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिंक आ गया है गेट लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको थीम का जो डाउनलोड लिंक होगा वहाँ पे आ जाएगा। इसको हम फिर से काट देते हैं, दूसरा आ गया ऐड यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव का यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। ओके, तो इसी प्रकार से आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया, ठीक है। तो आप डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो हम इस साइट पे काम करने वाले हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हम इसका एडमिन पैनल में जाते हैं, डैशबोर्ड जो होता है, एडमिन पैनल नहीं डैशबोर्ड बोलते हैं, ये वर्डप्रेस का बेसिक डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे। ओके, अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे, फिर जो थीम का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो थीम हमारा ये है, मैंने पहले से ही यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, एक्टिवेट नहीं किया हूँ, तो हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। जब आप थीम अपलोड करेंगे यहाँ से आप ऐड न्यू करेंगे,
और एक अपोलो अपलोड थीम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जो आप थीम डाउनलोड करेंगे यहाँ से चूज फाइल कर देंगे और फिर यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो सिंपली आपको इस थीम को एक्टिवेट कर लेना है। तो हम इस वाले सिम को एक्टिवेट करेंगे, प्लेटसम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, प्लेटसम लिखा है। ओके ओके ये आपको चाइल्ड सेम यूज नहीं करना है, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसी पे काम करने वाले हैं, प्लेटसम केवल। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। ओके यहाँ पे सेटअप भी ज़्यादा आ गया है, तो इसको हम अब ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले हम इसको डैशबोर्ड में फिर से जाते हैं, डैशबोर्ड है, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने पर यहाँ जो रीडिंग का ऑप्शन है इस पर चूज करेंगे। यहाँ पे ए स्टैटिक पेज है, ओके आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एक बार जो भी होगा। अभी हमने क्योंकि पेज नहीं बनाया है, तो यहाँ पेज बनाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बताता हूँ कैसे करना है। ओके तो हमको से परमा लिंक पर पहले क्लिक करना है, तो परमा लिंक पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से पोस्ट नेम जो है ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पोस्ट नेम ये चूज कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, फिर इसे सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ओके ये हो गया। अब हमको इसमें कुछ पेजेस बनाना है, तो हम इसमें ऑल ऑल पेजेस में जाते हैं और हम कुछ पेजेस बना देते हैं इसमें। आज जैसे कि आप इस साइट में देख सकते हैं, यहाँ पे होम, माई अकाउंट, कॉन्टेक्ट आवर्स, रिपोर्ट पॉलिसी, ये सब आपको पेज बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही बनाया हुआ है, तो हम एक नया पेज बनाएंगे। तो इस पर एड न्यू पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको हम होम करेंगे, एक होम पेज बनाएंगे यहाँ पे। इसको हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ से हम होम लिख देंगे, होम लिख दिया, फिर यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ओके ये हो गया। सेम ऐसे ही आपको करके 4 से 5 पेजेस बना लेने हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज यहाँ पे आ चुका है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिंपल पेज का जो ये ऑप्शन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके अब हम एक और पेज बनाते हैं जिसका नाम है रिफंड पॉलिसी। आपको सेम ऐसे ही पेज क्रिएट करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करते जाएंगे। जब पेज क्रिएट हो जाएगा तब बैक जाकर फिर ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आपका पेज यहाँ पे तैयार होने लगेगा। इसमें हम रिफंड पॉलिसी ऐड करेंगे, रिफंड पॉलिसी, फिर यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, फिर यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ओके सेम आपको ऐसे ही करना है, 4 से 5 पेज यहाँ पे क्रिएट कर देना। ओके तब हमारा ये हो गया। ओके तो पेज हो गया। अब इसको हम यहाँ से बैग जा जाते हैं और अपने आते हैं थेम के सेटअप विजार्ड में। ओके एक बार हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थीम हमने जैसे ही इंस्टॉल किया, कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा। आप यहाँ पे सब थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटअप करना है। ओके तो हमें लेट्स गो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे परचेज कोड मांग रहा है, तो परचेज कोड भैया हमारे पास तो नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए परचेस कोड नहीं लिया कि प्रिंटर है वैलिड परचेस कोड। ओके परचेस कोड हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जीपीएल लाइसेंस से यूज करते हैं, तो जीपीएल लाइसेंस में परचेस कोड मिलता ही नहीं है, तो हम इसके स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप फ्लेटसम सेटअप, फ्लेटसम चाइल्ड थीम ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको हम स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन आता है, फिर तो इसमें जो भी प्लगइन है आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, तो आप कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा।
प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल डेमो कंटेंट, आप चाहे तो इसका जो डेमो होता है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भैया हम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करेंगे डेमो, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके आपको दिखाना है कैसे ऐसे वेबसाइट को बनाते हैं। ओके, तो डेमो इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ समझ में शायद नहीं भी आ सकता है। ओके, तो डेमो आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका पूरा जो इसका डिज़ाइन होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेमो डेमो तो आप जान के ये होंगे, इसको हम स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ लोगो भी चुन सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे भी लोगो लगा सकते हैं यहीं से भी, जैसे ये भी आप लोगो देख रहे हैं यहीं से भी शायद। खैर इसको बाद में भी आप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे झट से इसको सेटअप कर लेते हैं, स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रेडी हो गया है सपोर्ट्स, अब हमको स्क्रॉल डाउन करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपने इस साइट को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमको इसको होम पेज में यहाँ पे डिजाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे आप देखते रहिए। तो सिंपली हम अपने साइट में जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, व्यू न्यू वेबसाइट इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो कुछ इसी प्रकार का आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है, डैशबोर्ड में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, और सेटिंग का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, और रीडिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इसे एक होम पेज सेलेक्ट करेंगे, जो हमने बताया था पहले आपको शुरू बार में ही। यहाँ से हम स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से होम हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था होम। फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से सेव चेंजेस से क्लिक कर देना है। इसमें आपको टिक नहीं करना है, टिक करेंगे तो ये जो आपका सर्च इंजन है इसको विजिबल नहीं करेगा, सर्च इंजन से ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको आपको टिक मार्क नहीं करना है, ध्यान रखें ये हमेशा ऐसे ही रहना है, टिक मार्क इसको कभी नहीं करना है। ओके, फिर होम पेज सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओके, तो हमको इसमें अब डिजाइन करने हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे इसमें करना है। दोस्तों इसमें बहुत सारा एक सेटिंग है, इसमें कॉमर्स का, इसमें भी आपको बहुत सारा सेटिंग करना है। ओके, तो हम बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है। तो ये जो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, ये प्लगइन को बैंग इंस्टॉले प्लगइन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इसको भी जो जो आपको सामने यहाँ पे ऊपर में पॉपअप दिखाई देगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेते जाना है, और जो जो प्लगइन रिक्वायर्ड है उसको एक्टिवेट करते जाना है। तो ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हो गया। ओके, सबसे पहले मैं आपको होम पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ, ऐसा होम पेज। ओके, इसके बाद हम बताएंगे आपको कौन सा कैसा कैसा सेटिंग करना है, वो हम बताने वाले हैं। ओके ओके, तो ये हो गया। सबसे आप फिर दोस्तों हमको ये WooCommerce का जो है इसमें हम जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे डैशबोर्ड के होम पे आते हैं, और जो जो हमारे सामने वहाँ पे ऊपर में पॉपअप दिखाई देगा उसको हम सेटअप करेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वेलकम WooCommerce, यू आर मेस रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, तो रन द सेटअप यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे शायद, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो यस प्लीज कर देना है। यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, यस काउंट मी इन कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से कुछ ये प्लगइन को इंस्टॉल करेगा जेटपैक,
एक्टिवेट या एक्टिवेट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जेटपैक जो होता है आपका साइट को फास्ट लोड करता है, ये प्लगइन इसी काम में आता है। जैसे कि आपने अपने साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं जिसके कारण आपका साइट स्लो हो गया, तो जेटपैक बहुत हेल्प करता है इसमें। सेटअप जेटपैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो वर्डप्रेस का साइट होता है उस पर शायद ले जाएगा, wordpress.org, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वर्डप्रेस, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस पहले से ही है wordpress.com। आप चाहे तो गूगल से भी कर सकते हैं, तो हम कैसे वर्डप्रेस में ही करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा, तो यहाँ से हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ओके। तो यहाँ से ऑथराइज हो गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा यूजर नेम यहाँ पे ले लिया है। ओके, तब देखते हैं क्या यहाँ पे शो होता है। ओके, ये तो हो गया। अब हमको उसमें जो हमारा वो कॉमर्स था उसमें सेटअप करना था। ओके, तो ये तो हमारा हो गया, जेट पैक यहाँ पे आ गया है। तो फिर से हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे, जो जो इरर होगा हम उसे फिक्स करेंगे। पहले इरर नहीं बोलते हैं उसको, पॉपअप जो हमारा आएगा साइड के लिए जो अच्छा रहेगा उसको हम करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा, इसको हम बताएंगे कब करना है। ओके, सबसे पहले हम होम ये इसको डिजाइन करते हैं ऊपर वाला। इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ मेनू क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। आपको इसमें जाके मेनू नहीं क्रिएट करना है कैटेगरी, ये आपको कुछ काम नहीं आने वाला है इसमें पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टॉप टॉप हेडर मेन्यू दे देते हैं, टॉप हेडर, और यहाँ पे मेन्यू लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया। अब हमारा जो पेजेस हमने क्रिएट किए थे यहाँ पे व्यू ऑल पर करेंगे, और जो हमारा पेज था यहाँ पे हम इसे डाल देंगे। ओके, ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टू मेनू के पे क्लिक करेंगे आपको सामने ये जो तीन पेज है यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट करना है टॉप बार मेनू और फुटर मेनू, जो जो आपको सेट करना है कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव मेनू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, ये तो हो गया। अब हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ये जो मेनू है यहाँ पे आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने मेनू यहाँ पे ऐड किए थे यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अब हमको यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है, बाय प्रीमियम मेंबरशिप एट जस्ट 450 ओनली। तो ये किस सेट करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस वाले पेज पे आना है, जो भी आपको एडिट करना है यहाँ से कस्टमाइज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम हेडर को चुनेंगे। ओके, हेडर में यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बार HTML, इसमें एक हम क्लिक कर देंगे इसको में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और हमको मान लीजिए ये वाला लिखना है, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप कॉपी वोपी मत कीजिएगा किसी भी साइट से, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए आपको यही टेक्स्ट लिखना है, तो ये टेक्स्ट आपको कॉपी कर लेना है। और
ये हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे लग चुका है। आप चाहे तो इसका जो फॉन्ट था वो पूरा कैपिटल लेटर में भी चूज कर सकते थे। ओके तो यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे। ओके अब हमको ये सेटअप करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है, ये करना है और ये करना है। ओके तो ये कैसे करेंगे आप देखते रहिए, कलर का मैं बता दूंगा कलर कैसे करना है। तो यहाँ से हम बैग जाते हैं, जैसे इस पे आपको माउस हावर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होने लगेंगे आपको, यहाँ पे लोगो, तो लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसे इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और जहाँ भी हमारा लोगो फाइल होगा उसको हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, हमारा डेस्कटॉप पर है तो उसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे अपना लोगो। तो ये हमारा है लोगो, इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, यहाँ पे अपलोड होने लगेगा। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ नाम भी देख सकते हैं जो भी आपको देना होगा, फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो लोगो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्च आइकन है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा वाला सर्च आइकन है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जो मेन मेन्यू है इसको यहाँ से हम इसमें डाल देते हैं, ये वाला ऑप्शन में, तो सर्च फॉरम है इसको हम इसमें डाल देते हैं। ओके तो आप देखेंगे सर्च फॉरम जो है यहाँ आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मेंबरशिप का ऑप्शन है, इसको यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे एक बटन लिखा है, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, बटन को इसमें डाल देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन पे। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा ये। ओके तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे ज्वाइन मेंबरशिप, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। आ चुका है तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ये आ गया ज्वाइन मेंबरशिप का। ओके तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ लिंक भी देख सकते हैं साइट का, जो भी आपको देना होगा। मान लीजिए हमको इस मेंबरशिप का ये लिंक है तो इसका हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके तो जैसे ही आप कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो इस साइट पे यहाँ पे आ जाएगा। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो पेस्ट करेंगे। ओके तो ये हो गया। अब यहाँ पे टारगेट लिखा है, आपको इसी विंडो में खोलना चाहते हैं, नए विंडो में लेते हैं, हम यहाँ पे नए विंडो पे ओपन कर लेते हैं, जस्ट ज़्यादा ही सेटिंग नहीं है कुछ। अब इसका कलर भी चुन सकते हैं जो भी आपको चूज करना होगा। ओके फिर इसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, आपको जो जो अच्छा कलर लगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रेड ही है, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो अब हम कलर, इसको कलर कलर करेंगे। कलर कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बैग जाना है और यहाँ जो स्टाइल है इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, प्राइमरी कलर ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, तो हमको ये वाला कलर चाहिए तो सिंपली हम इस कलर को। ओके तो हम यहाँ से कलर चूज करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके आप चाहे तो कुछ अलग सा भी कलर चूज सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कलर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अभी ये हमको रहा ये मेनू का, मेनू का कैसे करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, जो सेटिंग अभी नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अपने इस मेन्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या बोलते हैं वर्डप्रेस थीम, हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं यहाँ पे हम हेडर मेन्यू लिख देते हैं, हेडर मेन्यू, यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करेंगे, एसआई ने मेन्यू को बोल रहा है तो हमको मेन्यू क्रिएट करना है। तो सिंपली हम मेन्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से क्रिएट ए न्यू मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसका हेडर मेन्यू दे देंगे, जैसे हम यहाँ पे हेडर लिख देते हैं, यहाँ से हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके ये हो गया। अब हमको यहाँ से कुछ ऐड करने हैं तो यहाँ हम कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करेंगे, जैसे वर्डप्रेस थीम हो गया, वर्डप्रेस प्लगइन हो गया, इसका आप कैटेगोरी बनाएंगे तो यहाँ पे आप ऐड नहीं करने पाएंगे, क्योंकि कैटेगोरी का आपका यहाँ पे शो नहीं होगा जो भी आप कैटेगोरी डालेंगे, क्योंकि कैटेगोरी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट का कैटेगोरी यहाँ पे डालेंगे तो इसमें आपको शो नहीं करेगा, तो इसमें आपको मैनुअली शो कराना है। तो ये आपको लिए ये कस्टम लिंक है, इसको आपको क्लिक करना है और वो जो कैटेगोरी का लिंक है यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस थीम। अब यहाँ पे हम उस कैटेगोरी का लिंक दे देंगे जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसको मैं बताऊँगा आपको, एक्सप्लोर करूँगा ये कैसे करना है। अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता कर देता हूँ, क्योंकि आप इसको ऐसे में करूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके तो हेडर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली कस्टम लिंक का मेनू है इसको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे कैटेगोरी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसको न्यू विंडो में यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे कैटेगोरी पर क्लिक करेंगे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो गया, तो यहाँ पे हम कैटेगोरी का नाम दे देते हैं, जैसे वर्डप्रेस थीम्स। ओके फिर यहाँ से आप कुछ चाहे तो यहाँ पे सलाह भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, जो करना होगा कर लीजिएगा। फिर मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ, ऐड न्यू कैटेगोरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो कैटेगोरी है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन का एक कैटेगोरी यहाँ पे देंगे, प्लगइन, ये हो गया। सॉरी ये कुछ अच्छा नहीं आया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, वर्डप्रेस प्लगइन इसको देते हैं। ये हो गया, इसको हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो हम इसका लिंक का, इसका जो लिंक है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं और जो भी इसका लिंक आएगा उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये रहा लिंक हमारा कैटेगोरी का लिंक, तो इसको हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसका कैटेगोरी में अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है इसलिए ये ब्लैंक शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसका लिंक हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसमें हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे और ये हमारा कौन सा लिंक था, वर्डप्रेस प्लगइन का, तो इसमें हम लिख देंगे वर्डप्रेस प्लगइन। ओके फिर ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा एक और बचा, उसमें वर्डप्रेस थीम था जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, उसका भी यूआरएल यहाँ पे हमको कॉपी करना है, इसमें हम लिख देते हैं वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम्स, अब जो हमारा ये लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से नहीं, इसको हम यहाँ से वर्डप्रेस थीम, इस पे हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो इसका लिंक होगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ये हमारा लिंक है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सेम आपको ऐसे ही करना है, इसको हम ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये फालतू में आ गया। ओके वर्डप्रेस थीम आ गया, इसको मैं हम एक होम पेज का जो मेन्यू होता है उसको ऐड करेंगे, तो पेज में जाएंगे व्यू ऑल पे, यहाँ पे होम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया, फिर इसको हम यहाँ से मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, मेन मेन्यू एंड मोबाइल
मोबाइल मेनू। ओके आप यहाँ पे माय अकाउंट मेनू, ये क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं माय अकाउंट मेनू इधर का। ओके तो सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको जो भी अच्छा लगे, फिर यहाँ से हम इसे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा जो मेनू था यहाँ आया है कि नहीं। आप देख सकते हैं जो हमने मेनू क्रिएट किए थे यहाँ पे आ चुका है। इसको हेडर बटन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये कौन सा कलर है, ये कलर है, इसका कलर कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कलर को। ओके अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ से जो कलर का कोड है इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके आप चाहे तो यहाँ से इसका हाइट जो भी है कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं। ओके और यहाँ से भी जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हावर कलर हम इसको वाइट ही कर देते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इसको वाइट कर देते हैं क्योंकि अच्छा है दिखेगा। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर आ गया, ये कुछ इस प्रकार से है क्योंकि हमने इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे ऐड किया है इसको। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमने ऐड किया था इसको, तो इसमें हमने एक डिवाइडर कुछ दिए थे, तो यहाँ से हम ये डिवाइडर ले लेंगे, इसमें डालेंगे। ये हो गया, एक और ले देते हैं। तो जो मेनू का जो गैप है आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सारा सेटअप होने के बाद यहाँ पे आप इसको चाहे तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसका साइज़। ये 9 हाइट है, इसका जो हाइट होता है यहाँ से कम कर सकते हैं, ये जो हाइट है ये कम होने लगेगा यहाँ से। ओके ऊपर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी करना होगा कर सकते हैं, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बंदे लोग यहाँ पे लॉगिन है, तो उसका नाम और फोटो यहाँ पे दिखेगा, तो वो कैसे आप दिखाएंगे और इसमें जो आइकन है ये कैसे लगाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाएंगे अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदे का फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो दिखने लगेगा। अगर बंदे ने वो यहाँ पर फ़ोटो कुछ ऐड किए हैं तो उसका फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगा, अभी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके और रही बात इसमें ये लगाने की, जो आइकन है ये कैसे लगाते हैं, तो सिंपली आपको इस वाले कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सॉरी इसका कुछ सेटिंग रह गया मैं भूल गया, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका यहाँ से यूजर नेम एज लेबल, यूज लेबल शो रजिस्टर लेबल, फिर यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद फिर से यहाँ पे कार्ट का जो ये ऑप्शन है आप ध्यान से देखिए, ये जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन है ये सेटिंग वाला, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं, तो आप देखेंगे इसका बगल में जो है यहाँ पे आइकन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका कलर वाला भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ पे कर सकते हैं। कलर के लिए आपको उस वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा जो हमने कलर सेलेक्ट किया था, उसी वाले ऑप्शन में ये सब चेंज हो जाएगा। ओके अब ठीक है। ओके अब हमको होम पेज डिज़ाइन करना है कुछ इस प्रकार से, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली हम इस वाले ऑप्शन का हटा देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। हमको अपने डैशबोर्ड में आना है, तो हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी ये सब काम करेगा, नहीं तो ये सब काम नहीं करेगा। ओके तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कुछ नाम देते हैं, जैसे थीम्स, जैसे हम न्यूज मैक थीम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसका हम नाम दे देंगे न्यूज मैक थीम। ओके यहाँ पे हम इसको न्यूज मैक थीम दे देंगे, जो भी आपको देना होगा तो यहाँ पे न्यूज मैक थीम लिख देंगे इसमें। ओके ये होने के बाद यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जो भी आपको लिखना होगा थीम के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके जैसे कि आप इस साइट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीम के बारे में आप जो भी लिखेंगे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसी को कॉपी यहाँ पे कर लेंगे, मान लीजिए हमको यही चीज़ लिखना है थीम के बारे में, थीम के बारे में तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि थीम में आपको इस ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके इसको हम बुलेट में कर देते हैं, बुलियन में। ओके फिर यहाँ से हम इसे इसको हम फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आया सेकंड सेकंड डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला डिस्क्रिप्शन। ओके इसको ही बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो हम इस सेकंड वाले ऑप्शन में इसको भी पेस्ट कर देते हैं, आपको जो भी लिखना होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन थीम के बारे में। ओके अब रही इसका सेल प्राइस, तो मान लीजिए ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो डाउनलोडेबल पर क्लिक करते हैं, डाउनलोडेबल वर्चुअल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आप इसको प्राइस दे सकते हैं, मान लीजिए इसको हम इतना प्राइस दे देते हैं, आपको सेल प्राइस देना है जिसे हम यहाँ पे 350 लिख देते हैं, हमको इतना ही में बेचना है। तो यहाँ से हम इसको ऐड फाइल करेंगे, जो भी हमको सेम देना है, तो जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूज मैक थीम जो हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किए थे, तो इससे हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके और यहाँ से फाइल नेम डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी हमारा कॉपी नहीं हुआ, तो हम न्यूज मैक थीम ही लिख देते हैं न्यूज मैक। न्यूज मैक थीम ओके यहाँ पे आपको चूज फाइल करना है, जो आपको फाइल अटैच करना है यहाँ पे चूज फाइल करना है, अटैच कर देना है। तो मान लीजिए हमारा यही थीम का फाइल है, जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमारा यही थीम है तो हम इस थीम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ऐड कर लेंगे। ये हमारा थीम नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका थीम ये है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लोड होने लगेगा, तो फिर यहाँ पर इंसर्ट फाइल यू आर एल पर क्लिक कर देंगे। तो हम इंसर्ट फाइल यू आर एल पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो इसका लिमिट भी देख सकते हैं, डाउनलोड लिमिट कोई बदना मतलब कितना लिमिट तक डाउनलोड कर सकता है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपायर भी दे सकते हैं, आप कितने दिन के बाद ये डाउनलोड लिंक एक्सपायर हो जाएगा वो दे सकते हैं। ओके अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट गैलरी चूज करना है, प्रोडक्ट गैलरी क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इसको प्रोडक्ट गैलरी बोलते हैं ये इमेज और ये इमेज, ये इमेज। ओके इसको प्रोडक्ट गैलरी बोलते हैं ये इमेज। ओके तो इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं प्रोडक्ट इमेज में, यहाँ से सेलेक्ट प्रोडक्ट गैलरी ऐड, इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपको जितना भी गैलरी ऐड करना होगा ऐड कर सकते हैं। फिर से हम जाएंगे ऐड न्यू पे और यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और जितना भी हमारा गैलरी होगा यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके हमारे मान लीजिए इतना है तो हम इसको ओपन कर देंगे, तो जो भी गैलरी होगा यहाँ पे अपलोड होने लगेगा। जब आपको ये सारे इमेज को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेज होंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट इमेज।
जो आपको मेन साइट पे यहाँ पे शो होगा, जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। तब तक प्रोडक्ट इमेज में हम कोई भी इमेज यहाँ पे ले लेंगे, जैसे हमको ये वाला लेना है तो इसको ले लिए, यहाँ पे सेट सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे तो इमेज यहाँ पे लोड हो गया। ओके, प्रोडक्ट इमेज क्या होता है हम आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसे सेव पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट इमेज क्या होता है। ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये जो इसको प्रोडक्ट इमेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ये सब प्रोडक्ट इमेज बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। इसको हम व्यू प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। ओके, तो इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। सेम आपको ऐसे ही सेम 10 से 15 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, तभी आपका साइट का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आएगा। 8-10 से जो भी 8-10 प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे साइट आपको अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। पहले प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर इसके बाद डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 7 से 8 यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। तब तक वीडियो को मैं स्किप कर लेता हूँ, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर से चालू करता हूँ। तो हम आपको दिखा देते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया था कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे इमेज शो होगा और जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। ओके, और यहाँ पे जो हमने इमेज ऐड किए थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ प्राइस इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे यूरो मारा है, क्योंकि हमने जो कॉमर्स का सेटिंग होगा उसमें हमने सेटिंग अभी नहीं किया है, तो हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाएंगे कैसे करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कैटेगरी है एंड कैटेगराइज दिख रहा है, तो हमको वर्डप्रेस का जो थीम है उसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम ऐड एंड कैटेगराइज में किए थे, तो यहाँ पे वर्डप्रेस थीम पे क्लिक करेंगे या अपडेट कर देंगे। अपडेट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम अपने साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और किस प्रकार से शो हो रहा है यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा। ओके, अब हमको इसको रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट का जो एंड कैटेगराइज था यहाँ पे वर्डप्रेस थीम का जो कैटेगरी था यहाँ पे शो होने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस थीम। ओके, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं 8 से 10 प्रोडक्ट, फिर इसके बाद हम आपको मिलते हैं प्रोडक्ट बनाने के बाद। ओके, तो हमने यहाँ पे 8 से 9 जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपली जो ओकॉमर्स का सेटिंग है वो सब हमको करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे RS लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूरो में आ रहा है। ओके, यूरो जो कि डॉलर के बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत अलग फर्क होता है। ओके, तो हमको प्रोडक्ट बनाने के बाद हमको यहाँ पे ई-कॉमर्स का है सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ई-कॉमर्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो बेसिक सा सेटिंग है ये हमको यहाँ पे करना है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारा साइट था, अभी हमने एडिट किया था इसको। ओके, तो हम अब अपने आ गए ई कॉमर्स वाले डैशबोर्ड में। यहाँ से हमको कंटिन्यू सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ से पर्सनलाइज योर स्टोर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से क्रिएट इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टोर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल जीए, आपको जैसा लगे वैसा लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से कंप्लीट टास्क पे क्लिक कर देंगे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर टैक्स रेट्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे दे देंगे, जिसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे झारखंड डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा है इंडिया, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया, हम लिखेंगे यहाँ पे इंडिया दिल्ली, ये सेलेक्ट करेंगे इंडिया दिल्ली। ओके ये भी ठीक ही है, यहाँ कर लेंगे सिटी, सिटी यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अब हमारा जो सिटी है वो डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी का अपना नाम। यहाँ पे मेरा पिन कोड मांग रहा है तो पिन कोड हम डाल देंगे। ये हो गया हमारा, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, सारा चीज़ भरने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट स्टोर लोकेशन, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत दे दिया था। हाँ अब देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये सब सेटिंग आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका ना ऑर्डर पहले हो सकता है, ना ही कोई ऑर्डर कर पाएगा कोई भी बंदा, तो ये सब सेटिंग करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक सारा सेटिंग यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो इसमें टैक्स भी डाल सकते हैं। ओके आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट रो में जाएंगे, और यहाँ पे आपका कंट्री कोड यहाँ पे डालेंगे, स्टेट कोड, पोस्टल कोड, सिटी, रेट, टैक्स नेम, प्रायोरिटी, कंपाउंड, शिपिंग, शिपिंग चार्ज भी आप दे सकते हैं, आपको जितना डालना होगा यहाँ पे डाल सकते हैं इसके हिसाब से, लेकिन हम ये डालने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। वो सेटिंग होने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जनरल में सबसे पहले जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एड्रेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, वही वाला एड्रेस सेम यहाँ पे ले लिया है। ओके तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंटली, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको टिक मार कर देंगे। यहाँ पे आप करेंसीज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमको इंडियन रुपीज़ में चूज करना है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इंडियन रुपीज़ चूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इंडियन लिख देते हैं। यहाँ देखिए इंडियन रुपीस, तो इसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ से आप चाहे 1000 सेपरेटर जो भी आपको देना हो, करेंसी पोजीशन आप यहाँ पे लेफ्ट में ही छोड़ दें या सेंटर में ही छोड़ देते हैं, या हम लेफ्ट में ही छोड़ देते हैं बाय डिफॉल्ट। इसको 1000 सेपरेटर आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कॉमा के बाद कितना आना चाहिए, ये सेपरेटर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कौन सा सेपरेटर आना चाहिए। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके शॉप पेज, तो यहाँ से आप शॉप पेज कोई भी दे सकते हैं, चाहे तो ये कुछ अच्छा नहीं है। हाँ ये वाला जो आपका यहाँ है ऐड टू कार्ट बिहेवियर, इसको आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा जैसे ही क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट, उसको पॉपअप इस साइड में दिख जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ साइट का एग्जाम्पल देख करके, हाँ तो आप ये जो पॉपअप देखे, जैसे हमने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया और यहाँ पे आ गया चेकआउट का, तो सेम यही सेटिंग है यहाँ पे, यहाँ पे इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। ओके इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे कुछ वैसे सा सेटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चाहे तो आप शॉप पेज भी दे सकते हैं, शॉप पेज कौन सा दिखाना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और यहाँ से आप इसका मेजरिंग भी दे सकते हैं, यूनिट केजी। फिलहाल हम यहाँ पे थेम डाउनलोडिंग्स का एक जो ओकॉमर्स होता है वो बता रहे हैं सेल करने के लिए, आप थीम को कैसे बेच सकते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे केजी का ज़रूरत नहीं है। ओके रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाई वेरीफाइड ओनर, इसको आप टिक कर देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर साइट से
थीम को परचेस करेगा तो वो यहाँ पे रिव्यू कर सकता है। ओके, इसको फिर भी इस टिक मार्क कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें जाते हैं टैक्स को, टैक्स में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम इन्वेंटोरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप चाहे तो स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस जो हम कैटेगरी का साइट बना रहे हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है स्टॉक के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। यहाँ डाउनलोड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, इसमें हम क्लिक कर देंगे। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, जो मतलब हम लोग बेचते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मोबाइल हो गया, ये सब हो गया, वो इसके लिए है। फाइल डाउनलोड मैटर फोर्स डाउनलोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फोर डाउनलोड ही छोड़ देंगे। यहाँ पे डाउनलोड रिक्वायर लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट, ये क्या होता है, जैसे कोई बंदा आपके साइट पे पेमेंट कर लेगा तो जो थीम का डाउनलोड लिंक है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, वो ये वाला ऑप्शन है। तो इसको आपको हमेशा टिक मार्क ही रखना है। ओके, फाइल नेम यहाँ पे चाहते हैं, फाइल नेम भी दे सकते हैं, इसको इसको भी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आता है शिपिंग, शिपिंग शिपिंग में आपको इस पर क्लिक करना है। आप चाहे तो टैक्स आपको देना होता है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन, जो भी शिपिंग एड्रेस देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये कुछ रिक्वायर नहीं है। इसको देख लेते हैं शिपिंग ऑप्शन को। शिपिंग क्लास में देते हैं, ये सब हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप एक बार, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेंगे इसमें। वो कॉमर्स सर्विस फिर जाते हैं। फिलहाल ये सारा सेटिंग कुछ ज़रूरी नहीं है, जो जो ज़रूरी था मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी वैसे आपको करना है। ओके, ठीक है, वो तो ये हो गया आप शिपिंग। अब चलते हैं पेमेंट्स की ओर, तो इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन का जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे पेमेंट सेटअप करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ओके, कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल। पेपाल के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे इसको पेपाल अकाउंट से कनेक्ट करना है। ओके, तो हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये कैश ऑन डिलीवरी पेपल को हम डिसेबल कर देते हैं अभी, क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा सेटअप करने के लिए। इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, पेपल को कैसे ऐड किया जाता है। इसके लिए हमको यहाँ पे सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप इसको ये कुछ लिख सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ये कब काम आता है, जिससे हम यहाँ पे चेकआउट कर लिए हैं। तो चेकआउट करने के बाद जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन आता है उसमें ये काम आता है, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये उसमें काम आता है। यहाँ पर चाहिए तो आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल करने हैं, पहले मैं ये वाला आपको दिखा देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको शो आएगा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ लिख देना है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से हम आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने हैं। ओके, यहाँ पे अकाउंट नेम लिखना है, किसके नाम से खाता है यहाँ पे। ओके, आईएफएससी कोड, आप चाहे तो आईबीएन कोड, आईबिट स्वैप, बीआईसी स्विफ्ट कोड, ये सब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, ये इंटरनेशनल पेमेंट जो रिसीव करते हैं उस समय काम आता है, आईबीएन और बीआईसी स्विफ्ट। ओके, आपको केवल इंडियन अगर रुपीज में अगर लेना होगा तो आप इसी से ले सकते हैं, आईएफएससी कोड से ही। लेकिन आपको इंटरनेशनल पेमेंट लेना है तो आपको पेपाल लेना पड़ेगा, और ये सब ऐड करना पड़ेगा, आईबीएन, बिट, बीआईसी, स्विफ्ट। ओके, तो यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं, फटाक से हम फिलअप कर लेते हैं इस फॉर्म को। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपली ये जो
सेव चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डिटेल है यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो और दूसरा भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करके। फिलहाल मैं एक ही यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए हम एक ही ऐड करके छोड़ देंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम अकाउंट एंड प्राइवेसी पे जाते हैं। इसको हम गेस्ट चेकआउट, ये जो है गेस्ट चेकआउट, इसको आपको टिक कर देना है। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट के दौरान कोई भी मतलब पहले से ही आपको साइट में लॉगिन किया है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है एग्जिस्टिंग अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। जैसे कि आपको कोई बंदा यहाँ पे चेकआउट कर रहा है तो इसी के दौरान यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करेगा तो अकाउंट यहीं से क्रिएट कर लेगा। तो ये है, इसको हम ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम द ऑर्डर रिक्वेस्ट, रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड एंड ऑन रिक्वेस्ट। ओके, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब रहा ये प्राइवेसी पेज, तो यहाँ पे आपका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा यहाँ पे दे देंगे। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, आप चाहे तो अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, और चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से सेव चेंज कर देंगे। ये सब मैं आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे है ईमेल्स, ईमेल्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बस इतना ही सेटिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, हम ईमेल्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे कोई भी बंदा आपके साइट से कुछ भी परचेस करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल पे मिलेगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ पे भी प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, सेटअप सेट ऑन होल्ड, तो यहाँ पे आप मैनेज पे जाएंगे, तो मैनेज पे जाएंगे, बताता हूँ कैसे कैसे करना है। मैनेज पे क्लिक कर देंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल हेडिंग, आपको जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, आपके पास एक मेल जाएगा कि इस बंदे ने आपको यहाँ साइट से परचेज़ किया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। फिर आता है इंट्रोगेशन, फिलहाल ये ज़्यादा नहीं है। ओके, आपको मेल आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही कोई बंदा परचेस करता है तो। ओके, तो ये ऑप्शन कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आता है इंटीग्रेशन का, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस की मांग रहा है, लाइसेंस की हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम आते हैं एडवांस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। हाँ, ये रहा आपका बेसिक बेसिक चीज़ यहाँ पे एडिट करने के लिए। ओके, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिए तभी आप इसको कर पाएंगे। ओके, कोई भी सेटिंग मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम इसको कार्ट पेज है, तो यहाँ पे कार्ट पेज हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप कार्ड पेज बनाए होंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमारे हमने तो कार्ड पेज ही नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चेकआउट पेज है, चेकआउट के सामने चेकआउट पेज, कार्ड के सामने कार्ड पेज। ओके, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। फिर आप भी देख सकते हैं पे का ऑर्डर पे है, ऑर्डर रिसीव पे आफ्टर पेमेंट मेथड, ये सब छोड़, ये सब ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख लीजिए कार्ड पे चेकआउट पे माई अकाउंट पे टर्म एंड कंडीशन, ये पेज आप बना लीजिएगा। तो इसके सामने कार्ड पेज यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज करने के लिए आ जाएगा जो जो आप पेज क्रिएट किए होंगे। ये देखिए हमने केवल दो ही तीन पेज क्रिएट किए हैं इसलिए आ रहा है, तो आप ये सारे पेज क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कार्ड का पेज है तो कार्ड के सामने यहाँ पर कार्ड वाला पेज ही ऐड करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हमको एक और सेटिंग रह गया, ये विथ, इस पे हम जाएंगे। यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल एजेक्स लोडिंग, इस पे हम इनेबल कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से हम सेव चेंज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे।
ऐड टू विश लिस्ट ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके। बाकी जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके। फिर सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं सेव चेंजेस पे। अब आता है विश लिस्ट पेज ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए ओके, इस ऊपर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको इसको ऑर्डर करके थोड़ा नीचे आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस, इसको आपको सेज चूज कर लेना है। प्रोडक्ट वेरिटेशन सिलेक्ट वाइज यूजर, यहाँ पर कलर साइज इसको भी इनेबल कर देंगे। ऐड टू कार्ट ऑप्शन ईच प्रोडक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिडायरेक्ट टू कार्ट, इसको हम ऑन कर देंगे। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, ओके। सोशल शेयर आइकॉन का यहाँ रखना है, ओके। फिलहाल इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप सेटिंग देख लीजिएगा, ये आपका करना करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला ऑप्शन जो जो टिक मार्क है वो कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ से हम इसे सेव चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश मारते हैं, आपको दिखा देते हैं अभी कैसा मेरा साइट शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने तो कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, केवल सेटिंग ही किया है। ओके, अभी ऐसा ही दिखेगा, जैसा है ऐसा ही दिखेगा, ओके। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ये सारे सेटिंग तो हमने कर लिया है, अब हमको जाना है पेजेस में। तो पेजेस का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ जो होम पेज का है, इसको हम होम का जो पेज है यहाँ पे एडिट कर लेंगे। आप 4 से 5 पेज बना लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था शायद, कार्ट पेज, ये पेज, वो पेज, ओके। पेज आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में आपको आना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट का जो ऑप्शन है इसको आपको, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो टेम्पलेट का ऑप्शन है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पेज एट्रीब्यूट्स, इस वाले ऑप्शन जाएंगे। पेज फुल विथ का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये ज़रूरी है, ओके। फिर यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे, ओके। तो ये हो गया, अब हमको क्या करना है, अपने साइट को यहाँ पे करना है एडिट विथ यूएक्स बिल्डर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पे होम पेज डिज़ाइन करना है कुछ इसी प्रकार से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यूएक्स बिल्डर है ये जो लोडिंग हो रहा है अभी, वेट कर लेते हैं थोड़ा, ओके। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू पी कंटेंट ब्लॉक्स है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हाँ, अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ से हम ऐड एलिमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमको सर्च करना है यहाँ पे बैनर। तो बैनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से, ध्यान रखें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं लेता है। हाँ, यहाँ से आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इधर में नहीं होगा, यहाँ से तीर के इधर नहीं लाना है, आपको केवल इसी पे क्लिक कर देना है, ओके। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमको एक दूसरा वाला लेना था, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और एरो का जो बटन होता है अप डाउन करेंगे, तो आप इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हक सेल का वो है, इसको हम चूज कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इसे अपडेट करते रहेंगे, ध्यान रहे इस वाले सेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉर्नर में, यहाँ से हम इसे अपडेट करते रहेंगे। तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमको ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से डिलीट करना है, तो इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये सेटिंग आएगा, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो डिलीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ से एक डिवाइडर है, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये डिवाइडर है, ओके। तो डिवाइडर के हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, ओके। ये हो गया हमारा बेसिक सारा सेटिंग, ओके, जैसे मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, ओके। अब ये तो हो गया,
अब ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉप बटन, इसको बटन को हमको यहाँ पे नहीं रखना है, बटन को हमको डिलीट कर देना है। तो सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो बटन का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन पे डिलीट कर देंगे। ओके, फिर इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक सेटिंग का यहाँ पे बटन दिखने लगा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे। सेम ऐसे ही इसको करना है। ओके, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। और ये जो डिवाइडर है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे डिवाइडर, फिर यहाँ से डिवाइडर को हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब टेक्स्ट बच गया, अब टेक्स्ट को हमको एडिट करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिग सेल। ओके, तो हम इसी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ध्यान रखें आप कोई भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप अपना खुद से साइट अगर क्रिएट करते हैं तो। हम यहाँ पे बिग सेल लिख देते हैं, जैसे से बिग सेल हमारा हो गया। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है यहाँ पे कम कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। तो हम यहाँ से 100 ही कर देते हैं। ओके, 100 से कुछ ज़्यादा करते हैं, छोटा ही दिख रहा है। ओके, ये ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखते हैं कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे बचा है, ये बाई प्रीमियम मेंबरशिप एट जस्ट, ये वाला टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, मान लीजिए हमको यही चीज़ लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना है, एक यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन को इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कुछ यहाँ पे बेसिक सारे चीज़ आएंगे, तो यहाँ पर पैराग्राफ आप चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ओपन टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने टेक्स्ट को अभी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब इस टेक्स्ट को हमको कुछ ज़्यादा इसका साइज कुछ बड़ा करना है, तो हमको यहाँ से साइज लेना पड़ेगा। तो साइज हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, ये हो गया, फिर इसको बाद हम ओके कर देंगे। ओके, अब इस साइड में हमको कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से हम इसका जो साइज़ है यहाँ से कम करते हैं इसको। ओके, ये परफेक्ट है, और इसको हम यहाँ से तीर के इसको इस साइड में लाते हैं। ये हो गया। ओके, अब हम ये जो प्लस वाले आप आइकन दिख रहे हैं, जिसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, इस साइड में ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कंटेंट बॉक्स लेना है एक, तो हमने यहाँ पे बॉक्स ले लिया। अब बॉक्स को हमको इस साइड में ऐड करना है, इस साइड में, तो इसका साइज़ कुछ बड़ा हो गया है, यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे। ओके, तो इसका विधि हम कम कर देते हैं, फिर इधर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, तो इसका साइज़ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसका कुछ बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ओके, इतना ही छोड़ देते हैं, 45 यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसका स्केल जो है 125। ओके, फिर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से एक टेक्स्ट लेना है आपको, तो ये टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, मान लीजिए हमको यही चीज़ लिखना है, तो आपको इस वाली लाइन लिखना है, तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर टेक्स्ट को लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए। तो ये आने के बाद हम यहाँ पे ओपन टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसमें जो हमने अभी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हो गया, और इसका जो साइज़ है यहाँ पे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके कहाँ पर से आ रहा है टेक्स्ट इसका। ओके, नीचे तक आ रहा है। ओके, तो हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक। ओके, ओके, तो अब हमको ओपन टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करना है, यहाँ से इसका साइज़ जो है कुछ छोटा करना है, तो सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम 85, 95 जो भी देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। ओके,
तो जैसे ही हमने यहाँ पे दिया, इसका साइज़ जो है कम हो गया। ओके फिर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसको हम भी ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है ये, ओके ये तो हो गया। अब हमको यहाँ पे ये जो देख रहे हैं टाइमर है, ये ज्वाइन का बटन है, ये कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक काउंट डाउन लिखेंगे इसमें, जिससे हमने यहाँ पे लिख दिया काउंट डाउन COU, तो यहाँ पे काउंट डाउन आ गया। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे काउंट डाउन का ये जो है ये है, इसका दे देंगे कौन सा कलर आप देना चाहते हैं। तो इसका कलर है ये है, तो हम इसका कलर कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हाँ अभी हो गया, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो कलर का कोड है। ओके फिर यहाँ पे चूज कर देंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको जो जितना डेट में आपको टाइमर ये दिखाना है कब ये इंड होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमको दिखाना है, मान लीजिए आप आज कौन सा डेट है, 5 है, 5 नहीं 4 है, ओके 4 मई 2020। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे हम 5th दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 7 दे देते हैं। ओके फिर ऐसे हम इसे अप्लाई कर देंगे। ओके अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके फिलहाल मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि हमने एक और ऑप्शन ऐड नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हमको एक बटन लेना है, तो बटन हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर ये आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे बटन सर्च कर सकते हैं, तो बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके तो बटन हम ये सिंपल बटन लेते हैं, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, एक ये कैसे लिखना है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें आपको ज्वाइन नाउ लिखना है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कलर, जो कलर इसको हमको यहाँ पे अलर्ट चूज करना है, अलर्ट मतलब रेड होता है। ओके साइज आप चाहे तो इसका कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा, साइज मतलब ठीक ही है। एनिमेशन, एनिमेशन आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये देते हैं बाउंसिंग राइट, तो इधर से इधर आएगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं पहले एनिमेशन यहाँ पे देख रहे हैं। ओके अब आपके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, इसमें भी सेटिंग देखना है, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो ये यहाँ से और यहाँ तक साइज ले लेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ ये देखिए, ओके यहाँ से आप आइकन चूज कर सकते हैं। आइकन में हम यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये देखिए यूजर, तो सेम ऐसा ही आ जाएगा जैसे हमने इसमें क्रिएट किए थे। ओके तो ये आने के बाद यहाँ पे आप यूजर को आप किधर दिखाना चाहते हैं, राइट साइड में दिखाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके ऑलवेज विजिबल, तो ये यहाँ पे विजिबल ऑन हावर, जैसे ही माउस इस पर कोई ले जाएगा तो ये ऑप्शन दिखेगा, अगर हटा देगा तो ये नहीं दिखेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे है विजिबल ऑन हावर, बाई डिफॉल्ट हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से अपडेट कर देंगे। आप चाहे तो इसका जो बॉर्डर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से। ओके रेडियस आपको कितना सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे घुमा रहे हैं इसका बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है। ओके तो फिलहाल हम इसको इतना यहाँ ही पे छोड़ देते हैं। ओके फिर यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ओके अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। हाँ एक बात हमने भूल ही गया, क्योंकि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में एनिमेशन चल रहा है और इसका कलर जो है कुछ ब्लू जैसा है, तो हम इसका कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं, जो ब्लू कलर है उसको, तो इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं और हम यहाँ से इसका कलर का जो कोड है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ओके तो ये आ गया, अब हम इसको यहाँ से कलर है इसको कॉपी कर लेंगे। ओके और इसका जो यहाँ पे है हम बैनर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे भी क्लिक सकते हैं बैनर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो इसका जो सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके तो यहाँ से हम कलर है इसको कलर चूज कर लेंगे, जो हमने कलर कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो इसका बैकग्राउंड में ये आ जाएगा। ओके फिर चूज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखा है इफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नो इफेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कन्फेटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, तो आप सेम ऐसा ही देख लेंगे। ओके और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे।
ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था सेम वैसा ही यहाँ पे आ चुका है। ओके ओके, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मोबाइल में, टैबलेट में और पीसी में कैसा आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ आपको सेटिंग करना होगा। ओके, तो यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे गैप ले रहा है, तो यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे बैनर को। ओके, इसका जो साइज़ है यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे, तो कम जैसे ही करेंगे ऊपर नीचे जाने लगेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही कम कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, मोबाइल में कैसे दिखाना है, पीसी में कैसे दिखाना है, यहाँ से आप इसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से हम काउंटर डाउन का जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कितना बड़ा आप इसे दिखाना चाहते हैं। तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं मोबाइल में कुछ इस प्रकार से दिखे। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। पीसी में सेम वैसा ही से शो होगा जैसे हमने चाहा था। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इसको। ओके, तो मोबाइल में देखिए मोबाइल में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ओके, तो इसको थोड़ा हम नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं इतना तक ताकि ये अच्छा दिखे, ये रहा। ओके, फिर इसका अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ यहाँ पे एक टाइटल है, तो टाइटल कैसे देना है, इस प्रकार से टाइटल को कैसे देते हैं हम आपको बता रहे हैं। तो सिंपली आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको हाइड कर देना है यहाँ से। ओके, हाँ अब ये हमारा हो गया, इसको हम पीसी मोड में कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से हम ऐड एलिमेंट पे जाएंगे। ओके, जैसे ऐड एलिमेंट पे जाएंगे यहाँ कुछ गैप सा ले लेगा यहाँ पे, यहाँ हमको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटल, यहाँ पे टाइटल हम टाइप करेंगे, तो टाइटल यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो स्टाइल नॉर्मल है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर बोल्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से हम लिख देंगे वर्डप्रेस थीम, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं वर्डप्रेस थीम, थीम्स लिख देते हैं। यहाँ पे सिंगल एस लगाना था। ओके, इसका साइज आप यहाँ पे कलर में चूज कर सकते हैं, आपको किसका कलर में यहाँ पे दिखाना है, तो हम यहाँ पे ब्लू चूज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे चूज कर देंगे तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे। ओके, तो हमको एक और आइटम यहाँ पे लेना है, तो हम यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी प्रोडक्ट होगा आपके वेबसाइट में यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे 6 7 दे देते हैं, 7 प्रोडक्ट यहाँ पे इस लाइन में, यहाँ पे 7 प्रोडक्ट शो होने लगेंगे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोडक्ट। ओके, अब हम एनिमेशन, एनिमेशन हम इसको फ्लिप इन एक्स इसको कर देंगे, अब स्लाइड नीचे जाते हैं स्लाइडर की ओर, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे कैटेगरी को, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्लाइड का जो ऑप्शन है इसको यहाँ से डिसेबल है, तो यहाँ से आपको 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी आपको चूज करना होगा यहाँ से कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्लाइड होने लगेगा। जैसे आप इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये चूज करेंगे तो ये जो आपका सेटिंग है ये ऑटोमेटिक स्लाइड होने लगेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड होने लगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसे अपडेट कर देंगे, हम अपने साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कुछ आया है नहीं है। यहाँ पे एनिमेशन आ गया, ये देखिए, तो हमने जो क्रिएट किए थे यहाँ पे कुछ आ गया है बेसिक सारा सेटिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम एक ये वाला पेज क्रिएट करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला पेज। ये वाला पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। ये जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देख रहे हैं ये कैसे लगाते हैं मैं बताऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। ओके, पहले ये क्रिएट करने दीजिए। ओके, तो हम अब ये वाला लगाएंगे, ये वाला कैसे लगाएंगे आप देखते रहिए।
तो सिंपली हमको यहाँ पे जो ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट्स, फिर से प्रोडक्ट्स सर्च करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे कॉलम भी दे सकते हैं कितना आपको रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे इसमें हमें देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें कॉलम 5 ओके। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ओके। अब यहाँ पे नंबर कितना पोस्ट दिखाना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ओके। तो यहाँ पे हमने 12 चूज किए हैं, तो 12 हमारे में पोस्ट है ही नहीं, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट ही है ओके। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितना चूज करेंगे पोस्ट को, यहाँ पे दिख जाएगा। और ऑर्डर बाई है, यहाँ पे आप टाइटल दिखाना चाहते हैं, मेन्यू ऑर्डर दिखाना चाहते हैं, रैंडम, तो रैंडम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंडम आपको इधर उधर शो होने लगेगा ओके ओके। तो रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑर्डर एएससी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो यहाँ तक हमने तो सीख लिया था ये कैसे ऐड करते हैं। अब इसमें हम ऐड टू कार्ट का जो बटन होता है वो लगाते हैं, जैसे कि आप हमारी साइट में देख सकते हैं। तो ये ऐड टू कार्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कस्टमाइज का यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये वाला कस्टमाइज, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे आप इस साइड में देख रहे हैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, ये कैसे लगाते हैं आप देखते रहिए, इजीली आप इसमें लगा पाएंगे कैसे ऐड टू कार्ट बटन लगाया जाता है। तो सिंपली हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे जिसमें हमें कस्टमाइज पे क्लिक किया था, उस वाले ऑप्शन में ओके। यहाँ से हमको ये चूज करना है जो ओकॉमर्स का ये जो है ओकॉमर्स वाला ऑप्शन, इस पर हमको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ओकॉमर्स है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ दूसरा पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्ट कैटलॉग, ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ से हम ये चूज कर लेंगे, ये ठीक है, वो ये ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दीजिएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ जो ऐड टू कार्ट बटन है इसको हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये जो बटन स्टाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लेन चूज करना है। फिर यहाँ से नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, इनेबल इंस्टेड ऑफ सेल इसको इनेबल कर देंगे यहाँ से। तो जैसे हम इसको इनेबल करेंगे यहाँ देख सकेंगे ऐड टू कार्ट का बटन है यहाँ पे आ चुका है। इसके नीचे हम करेंगे इसमें भी आ गया होगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू कार्ट का जो बटन था यहाँ पे आ गया है ओके। तो यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमारा यहाँ तो काम हो गया, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इस वाले यूआरएल को और इसको यहाँ से ओपन करेंगे एक बार, हमारा तो ये साइट है ओके। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है यहाँ आया है कि नहीं आया है। यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू कार्ट का जो बटन था यहाँ पे आ चुका है ओके। यहाँ पे सेल का बटन एक लगा था तो ये हट चुका है, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो हमने अभी टिक मार्क किया था। तो यहाँ से हमें वूकॉमर्स चूज करते हैं,
और यहाँ से प्रोडक्ट कैटलॉग, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आएंगे क्योंकि सबसे नीचे ही था वो, तो यहाँ से हम इसे डिसेबल कर देंगे इसको। तो ये जो यहाँ पे 100-192 दिख रहा है ये यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए यहाँ से हट चुका है। ओके ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही इस जो ऐड टू कार्ट का बटन है, जैसे कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो थीम को कैसे बाय कर सकता है इसके हम बारे में हम बताने वाले हैं। तो सिंपली हम इस ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कार्ट वाले पेज पे यहाँ पे ले जाएगा। ओके, फिर यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, आप कितना खरीदना चाहते हैं कितना नहीं खरीदना चाहते हैं। ओके, यहाँ से मान लीजिए हमको दो खरीदना था, दो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ प्लस वाले का हम क्लिक करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। ओके, फिर यहाँ से अपडेट कार्ड पर करेंगे तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट है यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पे इसका अमाउंट भी बढ़ चुका है। ओके, तो फिलहाल हम इसे 1 ही रखना चाहते हैं, तो ये अपडेट कार्ड करेंगे। जैसे ये अपडेट कार्ड करेंगे यहाँ पे इसका जो 370 था प्राइस यहाँ पे आ जाएगा 1 का। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे कूपन कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। कूपन कोड को मैं बारे में बताऊँगा कैसे क्रिएट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए चेकआउट का पेज यहाँ पे आ गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको चेकआउट का कार्ड का चेकआउट का पेज और माई अकाउंट का पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आप इस वाले ऑप्शन को देख पाएंगे। ओके, तो ये कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली अपने आप साइट के डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ से आपको जो पेजेस का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड मैंने कहा मैं यहाँ पर पेजेस का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेना है, ऑल पेजेस सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड का पेज बनाया है, चेकआउट का पेज बनाया है और माय अकाउंट का पेज बनाया है प्राइवेसी पॉलिसी का। ये आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने नहीं बनाया है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और इसमें जो शॉर्ट कोड होता है वो कैसे पेस्ट करना है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू विंडो खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओकॉमर्स शॉर्ट कोड, ओकॉमर्स शॉर्ट कोड। जैसे ही लिखेंगे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला लिंक हम ओपन करेंगे फर्स्ट वाला। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्ट का है, ये कार्ट का शॉर्ट कोड है, चेकआउट का पेज है, माई अकाउंट का पे कोड है। ओके, तो ये आपको ज़रूरी है ऐड करने के लिए। तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जो पेज का हमारे को क्रिएट करना है तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कार्ड लिखेंगे और ये जो शॉर्ट कोड है वो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कैसे करना है हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमको कार्ड का पेज बनाना है तो यहाँ पे हम कार्ड लिख देंगे। ओके, और ये जो प्लस वाला आइकन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक शॉर्ट कोड लेना है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है शॉर्ट कोड, ये रहा शॉर्ट कोड, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पर। तो यहाँ एक बॉक्स आ गया, तो इसमें आपको ये वाला शॉर्ट कोड डालना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, आप ध्यान से देखिए कहाँ से सेलेक्ट करना है, जिसमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, और जो मेरा न्यू पेज था यहाँ पे शॉर्ट कोड इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ओके, तो सेम आपको तीन ऐसे ही पेज बनाने हैं शॉर्ट कोड डालने के बाद। मान लीजिए आपको ये वाला पेज बनाने हैं चेकआउट का, तो चेकआउट का पेज ऊपर डाल लीजिएगा और शॉर्ट कोड में ये डाल लीजिएगा। माय अकाउंट का पेज बनाना है तो माय अकाउंट ऊपर लिख दीजिएगा और जो शॉर्ट कोड है वो नीचे डाल दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ बताया। यहाँ पर माय अकाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कोड डाल सकते हैं। ओके, ध्यान रहे कार्ड का कार्ड में ही शॉर्ट कोड पेस्ट करना है, चेकआउट का चेकआउट में और माय अकाउंट का माय अकाउंट में, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से पेज आपको क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, तो इसका काम यहाँ से हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो कार्ड का पेज बना लीजिएगा, चेकआउट का और माई अकाउंट का और प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी में आपको शॉर्ट कोड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कार्ड चेकआउट एंड माय अकाउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको शॉर्ट कोड पेस्ट करने हैं। ओके, तो ये बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे आपको इस पेज पे आ जाएंगे। अगर ये आप पेज नहीं क्रिएट करेंगे तो आप जो ये सारे जो ऑप्शन है ये इस पर आपका जो
साइट है, रिजायरेक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये पेज बना लीजिएगा, कार्ट चेकआउट एंड माई अकाउंट। ओके, अभी समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए हाँ, तब यहाँ पे मान लीजिए कोई यूजर यहाँ पे डिटेल भरेगा, जैसे इसका नाम ये है ओके, तो ऐसे कोई डिटेल भरेगा। ओके ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस, मान लीजिए कोई इसमें है कि आप कुछ कोई दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ उसका नाम एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो थीम बाई करने वाला साइट बना रहे हैं, तो इसमें किसी को डिलीवरी नहीं करना है, ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकता है कोई भी बंदा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पेमेंट, तो पे डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शन आ गया है। तो हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को इनेबल कर देंगे, पहले से ऑर्डर कर देंगे। तो जैसे ही पहले से ऑर्डर करेंगे, तो हमने आपको बताया था वो कॉमर्स में सेटिंग किए थे, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट डाले थे, तो वो डायरेक्ट उसी पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल देगा और बोलेगा पेमेंट करने के लिए। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आवर बैंक डिटेल, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मेरा बैंक अकाउंट नंबर और ये आईएफएससी कोड। ओके, तो आपको पेमेंट इतना करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आपको ये सब पेज अगर क्रिएट करेंगे तो इजीली आप ये सब विजिट कर पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ तो ऑर्डर ऑर्डर कर लिया, अब हमको इस साइड में जाना है। अब कैसे पता चलेगा तो ऑर्डर किया है, तो यहाँ हम कॉमर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे 40 सेकेंड को। तो इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर आपके साइट, आपके वहाँ पेमेंट, इस बंदे ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, तो आप यहाँ से इसे अप्रूव कर देंगे। ओके, ये हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया था। अगर UPI द्वारा पेमेंट करते तो कोई भी बंदा डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद लिंक को एक्सेस कर सकता था। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, अगर आप UPI द्वारा इसमें पेमेंट सेटअप करेंगे, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही वहाँ पे कोई बंदा पेमेंट करता है, तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डाउनलोड लिंक नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो एडमिन होता है यहाँ पे अप्रूव करेगा, तभी आप डाउनलोड लिंक विजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडिट ऑर्डर में जाते हैं, आप यहाँ से चाहते हैं तो जो ऑर्डर एक्शन, यहाँ पे ईमेल, इनवॉइस, ये सब दे सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए स्टेटस लिखा है ऑन होल्ड, तो यहाँ से हम चूज करेंगे। मान लीजिए आपको आप बंदा पेमेंट दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। ओके, फिर यहाँ से अपडेट कर देंगे। ओके, मान लीजिए प्रोसेसिंग में डालना है, तो प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे अपडेट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमको पेमेंट यहाँ पे मिल गया है, तो कंप्लीटेड का ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, मान लीजिए इस बंदे को आपको कुछ देना है, तो बंदा ने कौन सा थीम बाय किया है, तो सरकारी रिजल्ट बंडल। ओके, तो यहाँ से हम इस सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, जो आपने साइट में जो भी थीम लगाए होंगे यहाँ पे उसका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ग्रांट एक्सेस का क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर में। ओके, यहाँ आ गया है और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे, बंदा वहाँ पे वो डाउनलोड लिंक एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो डाउनलोड लिंक का लिमिटेड, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, आपको कितना लिमिटेड चाहिए वो भी। ओके, यहाँ पे एक्सपायर डेट भी चूज कर सकते हैं, आपको कितने दिन बाद यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। ओके, ये हो गया, तो आप ये समझ गए होंगे। ओके, तो जैसे हम इसको, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड लिंक आ जाएगा। अभी शायद नहीं आएगा, हमको यहाँ पे इस वाले लिंक में डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो अब ये लिंक आ जाएगा। देखिए हम इस पर रिफ्रेश करते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा शायद। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ डाउनलोड लिंक यहाँ पे आ चुका है, देखिए ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। ओके, आप इस वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं आपको कौन कौन सा डाउनलोड लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, तो इजीली आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमने इतना इतना इसमें ऐड किए थे। ओके, तो इसी प्रकार से आप भी इसे इसके जैसा क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा। उसके लिए आपको पेजेस बहुत ज़रूरी है, पेजेस क्रिएट करने के लिए। ओके, तो हमने ये बेसिक से सारा चीज़ सीख लिया, अब हम आते हैं अपने साइट की ओर, होम पेज डिज़ाइन करना। ओके, ये क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कैसे करना है बता रहा हूँ। यहाँ से हम एडिट पेज पर क्लिक करेंगे और एडिट विथ UX बिल्डर, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, ये तो हो गया।
अब हमको यहाँ पे ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से हमको एक लेना है, टाइटल लेना है। ओके, तो टाइटल यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो ये रहा हमारा टाइटल, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा। इस टाइटल को हम यहाँ से जो प्लस का आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये नहीं लेगा तो। ओके, यहाँ पे ले लिया। ओके, तो टाइटल पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको चूज करना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हम वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्लगइन यहाँ पे दे देते हैं। ये हो गया, यहाँ से स्टाइल नॉर्मल है तो इसको हम यहाँ से सेंटर बोल्ड का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप चाहे तो इसका कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देगा ना देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। ओके, ये हो गया। आइकॉन भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे शॉपिंग बास्केट का एक यहाँ पे दे देते हैं। ओके, ये हो गया। आप चाहे तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, जितना आपको साइज बढ़ाना होगा यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। या और यहाँ से प्रोडक्ट आपको चूज करना है। ओके, प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया। यहाँ से हम इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इसको हम यहाँ से नॉर्मल कर देंगे और यहाँ से इसका जो साइज़ है यहाँ से कुछ ज़्यादा कर देंगे, 6-7 कर देंगे। ओके, फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, एनिमेशन हम इसको फ्लिप इन एक्स कर देंगे, आप वाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको देखना होगा देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं इसका एनिमेशन किस प्रकार से होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं प्ले एनिमेशन में क्लिक करके। ओके, अब यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ से इसमें जाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नाउ कलर डार्क है तो इसको हम वाइट कर देंगे, लाइट कर देंगे, वाइट नहीं सॉरी लाइट कर देंगे इसको। ओके, ओके, यहाँ पे ऑटो स्लाइड लिखा है, इसको हम यहाँ से 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी आपको देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से इसको डन करेंगे, देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से आप चाहे तो इसका कैटेगोरी भी चूज कर सकते हैं, कौन सा कैटेगोरी का यहाँ पे देना है। जैसे हम यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन का लिख देते हैं कैटेगोरी। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी बनाए हुए तो यहाँ पे इजीली आ जाएगा। ओके, जैसे हमने ऊपर आपको बताया था इसमें कैसे ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी नहीं ले रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए आ गया वर्डप्रेस प्लगइन, तो ये हम चूज कर लेंगे। अब जितने भी आपको वर्डप्रेस प्लगइन में ये सब सारे होंगे यहाँ पे शो होने लगेंगे। देखिए प्लगइन में हमने एक ही यहाँ पे ऐड किए थे तो इसलिए एक ही शो हो रहा है। ओके ओके तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस थीम को यहाँ पे चूज करेंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे चूज करेंगे, आपको जो भी इस कैटेगोरी का ऐड करना होगा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ इस सबको। ओके, फिर यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इसको पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए,
ये हो गया वर्डप्रेस प्लगइन। ओके आप चाहे तो अब देखिए ये वाला कैसे लगाना है, प्रीमियम प्लान ऐसे कैसे लगाना है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम लेने पड़ेंगे। ओके तो ये कैसे बनाते हैं देखते रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक टाइटल लेंगे, इस टाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट में सेलेक्ट प्लान टू गेट स्टार्टेड, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे टाइटल में। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब उतना लिखूँगा, कितना लिखूँगा भाई, ओके तो इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस वाले टेक्स्ट में। सॉरी ये तो कॉपी ही नहीं हुआ, तो यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो ये जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसमें पेस्ट कर देंगे। ये हो गया सेलेक्ट प्लान टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम स्टाइल है इसको हम सेंटर बोल्ड चूज कर लेंगे। ओके और यहाँ पे आइकॉन, आइकॉन आप लगा सकते हैं जो भी आपको लगाना होगा, एरो राइट एरो लेफ्ट। यहाँ पे टिक मार्क का है तो वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे टिक मार्क का कोई होगा ऑप्शन, चेक मार्क, सॉरी चेक मार्क है, टिक मार्क का नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे चेक मार्क यहाँ पे आ जाएगा। ओके इसका कलर हम कुछ और ही दे देते हैं, जिससे हम यहाँ पे ब्लू ही दे देते हैं और यहाँ पे चूज कर देते हैं। ओके चूज करने के बाद अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से हमको रो सेलेक्ट करना है। इस रो वाले ऑप्शन पर अगर ये नहीं दिखेगा तब यहाँ पे सर्च करेंगे रो, तो ये इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे इस पर। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ पे आ गए होंगे। ओके तो यहाँ पे हम 3 कॉलम ही चूज करने वाले हैं, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। ओके और फिर हम इस वाले ऑप्शन पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। ओके फिर जो ये जो ये जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, आप यहाँ पे देखते रहिए। या वो टाइटल यहाँ पे डालना है, तो टाइटल कैसे डालेंगे, सिंपली ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर हम इस वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस वाले आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस सेक्शन में आएंगे तो ये प्लस वाले आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और इस साइड में यहाँ पे सर्च करेंगे टाइटल, टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे इसका, ये रहा इसका टाइटल, तो टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे क्या क्या देखा है, गेट प्रीमियम, गेट प्रीमियम, गेट प्रीमियम, आपको जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम, प्लेटिनम प्रीमियम, जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लान हम लिख दे रहे हैं सिल्वर, यहाँ पे सेंटर बॉल ही चूज कर देते हैं। ओके ये हो गया। ओके अब हमको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली हम इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से ऐड करेंगे। ओके तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इस सब को, मान लीजिए आपको यही लिखना है तो आप इसी को कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए हमको यही टेक्स्ट यहाँ पे लिखने हैं। ओके तो हम यहाँ पे फिर से ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट सर्च कर लेंगे, टेक्स्ट इस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप पैराग्राफ भी चूज कर लेंगे, यहाँ से आप फिर इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट का ये जो बटन है इसमें हम पेस्ट कर देंगे, जो हमने अभी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके फिर यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे, देखेंगे जो हमने पेस्ट किया था यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके अब इसका इसका जो ये जो कॉलम है इसका को हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम कॉलम का जो ये ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से डिवाइडर, डिवाइडर इसमें आपको दिखाई देगा इस वाले साइड में शायद,
तो डिवाइडर हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम इसे सेंटर कर लेंगे, ये हो गया। फिर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, बैकग्राउंड बीजी कलर है इसको हम चूज कर लेंगे, जो भी आपको देना होगा यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने ये दे दिया इसका, ओके, आपको जो भी देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए हम यही कुछ कलर को चूज कर देते हैं यहाँ से, ओके, और कलर लाइट है, डार्क है, तो ये आपको लाइट दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लाइट पे क्लिक करेंगे, ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और क्या है इसमें, सेम आपको ऐसे ही करना है तीनों कॉलम को ही। ओके, तो इसको हम थोड़ा, ये जो डिवाइडर है, टाइटल है, इसको थोड़ा हम साइज कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं यहीं से भी। ओके, ओके, तो सेम आपको ऐसे ही करना है तीनों कॉलम में ही, ऐसे ही आपको ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे लिंक ऐड करना चाहते हैं, ओके, टाइटल में, तो यहाँ से आप लिंक का टेक्स्ट दे देंगे, यहाँ से साइट का लिंक दे देंगे। मान लीजिए हमको ये वाला साइट का लिंक देना है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब जो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा वो लिख सकते हैं। ओके, लिंक लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से हम इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इसे अपडेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमने तो ये क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे ज्वाइन नाउ का जो बटन है ये कैसे लगाते हैं, और ये जो कॉलम यहाँ पे कॉर्नर जिस कर्व जैसा दिख रहा है कैसे करते हैं। तो सिंपली हमको कॉलम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कॉलम वाला हमारा ये था, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और तो यहाँ से ऑप्शन का आइकन आएगा, ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके देखते हैं, इधर शायद होगा, हाँ यहाँ पर रेडियस है, ये चूज करना था, यहाँ से हम करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्व जैसा दिखने लगा। ओके, ये देखिए एक कर्व जैसा हो गया। ओके, अब फिर हम यहाँ से अप्लाई से कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऐड टू कॉलम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमको यहाँ पे एक क्या लगाना था, बटन, तो बटन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे बटन सर्च कर लेंगे आप, बटन, तो ये आ जाएगा, तो इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो जो बटन है यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें ज्वाइन नाउ है, तो हमको इसमें ज्वाइन नाउ ही ऐड करना है। हम मान लीजिए हम ये वो बटन लगाना चाहते हैं राउंडेड, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ओके, अप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ से कलर है इसको हम अलर्ट चूज कर लेंगे, सक्सेस आप चूज करेंगे तो ये ग्रीन जैसा दिखेगा। ओके, हम सेकेंडरी चूज करेंगे तो आपको सेकेंडरी जैसा यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा अजीब सा, तो हम यहाँ पे अलर्ट चूज कर लेते हैं क्योंकि अलर्ट में रेड ही दिखता है। ओके, आप चाहे तो इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, जो ये बटन है हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो साइज है ले लेगा, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम आइकन लगा देते हैं, आइकन में हम यहाँ पे यूजर दे देते हैं, देखिए तो यूजर पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, मान लीजिए आइकन को आपको किधर दिखाना है, आप यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमको लेफ्ट में दिखाना है तो ये इधर शो होने लगा। ओके, फिर यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ओके, सेम आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। ओके, तो सेम आपको ऐसे ही करना है, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अगर बारी बारी से इसको दिखाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके, इसको हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे प्ले प्रीमियम लिखना है, ये सिल्वर है, यहाँ पे हम इसे प्रीमियम कर देते हैं। ओके, प्रीमियम ये हो गया। ओके, फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद यहाँ से फिर हम जाएंगे कॉलम 2, फिर यहाँ से हम ये जो इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो एक और यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में, राइट साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसे गोल्डन कर देंगे,
इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे चूज करेंगे टाइटल को, यहाँ से हम गोल्डन दे देंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं प्रीमियम को, यहाँ से गोल्डन दे देंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमको इस बटन पे कुछ लिंक डालना है तो वो कैसे डालेंगे, तो सिंपली हम इस बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिंक लिखा है, यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला साइट का लिंक देना है, ओके, तो हम इस पर दे देंगे। आपको जो भी लिंक देना होगा दे सकते हैं। इसको हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे ये जो लिंक है इसका कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए आपको इसी साइट का लिंक देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब टारगेट कौन सा विंडो में खुलाना चाहते हैं, तो हम इसे न्यू विंडो में खुलाना चाहते हैं। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो न्यू विंडो में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ सकता है, ये रियल है अट्रीब्यूट डू फॉलो नो फॉलो का, ओके। तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे। ये जो दो फालतू कॉलम यहाँ पे नीचे साइड में ऐड हो गए हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। फिर से एक कॉलम है तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, ओके। अब इसे अपडेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, सेंड रिक्वेस्ट, ये वाला आपको इस वाले यहाँ से तो हो गया ये, इसको इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं ताकि ये सब ना दिखे, ओके। अब हमको ऐड एलिमेंट पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमको सेक्शन लेना है। सेक्शन हम चूज कर लेंगे, यहाँ से हम इसे यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेक्शन है, इसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट डार्क सेट कर लेंगे, ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसे अपडेट कर देंगे, ओके। अपडेट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आप चाहे तो कलर चूज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे यहाँ पे दे सकते हैं इसका बैकग्राउंड में। जैसे हमें ये दे दिया तो इसका बैकग्राउंड कलर ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम इसे चूज कर लेंगे, आपको जो भी कलर अच्छा लगे यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, इफेक्ट में हमने ये दे दिया तो इसको बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ओके, ये हो गया। आप चाहे तो इसको बैकग्राउंड में कोई मीडिया भी दे सकते हैं, ओके। फिलहाल हम इसे यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक मैसेज बॉक्स ले लेंगे, ओके। तो जिससे हम यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स, ये रहा मैसेज बॉक्स, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लाइट ही छोड़ देते हैं, ओके। तो इसका भी जो बैकग्राउंड है इसका हमको यही चूज करना था जो हमने इसमें चूज किया था, तो इसका भी हम यहाँ पे ब्लू ही दे देते हैं और यहाँ से हम इसे ब्लू कर देते हैं, ओके। सेम ऐसा ही कलर देंगे तब ये शो होगा वरना नहीं होगा, ओके। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ से चूज हम करेंगे और फिर इसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैसेज बॉक्स में ये जो टेक्स्ट है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन बटन को हमको इस साइड में लगाना है, तो इस बटन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप चाहे तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर भी ला सकते हैं, जैसे हम इसको इधर ला देंगे, इसको नीचे नीचे, तो ये बटन जो है नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं। और ये टेक्स्ट रहा, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस कॉलम वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, ओके ओके, ये हो गया। अब हमको यहाँ से ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए हमको ये वाला टेक्स्ट लेना है तो इस वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके। मान लीजिए हमको ये वाला टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। ये शायद कॉपी नहीं हुआ, फिर से हम इसे कॉपी करते हैं और इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके, ये हो गया। आप फिर ओके कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन भी था शायद, हम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ओके।
तो कॉन्टेक्ट अस का ये बटन, आप यहाँ पे बटन तो पहले ही लग गया, इसको केवल चेंज करना है। बटन आप चाहे तो लगा सकते हैं कोई भी बटन, मान लीजिए इसको आप डिलीट करके कोई दूसरा बटन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, और इस वाले सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ से जो प्लस का आइकन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बटन ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पे बटन सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो बटन हम यहाँ पे दे देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बटन ये ऐसा ही आ गया सेम। तो मान लीजिए हम ये वाला देते हैं बटन, सॉरी यही वाला हम रख लेते हैं, यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना होगा यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कॉन्टैक्ट अस लिखा है, तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे हम डाल देंगे। ये हो गया। ओके, अभी यहाँ पे आप चाहे तो इसका लिंक भी कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे आइकॉन का जो आइकॉन है यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे गिफ्ट दे देते हैं। ओके, तो गिफ्ट का आइकॉन यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, ये देखिए गिफ्ट का। ओके, तो यहाँ अब यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो इसे हमने यहाँ से अपडेट कर दिया। ओके, हाँ, हम इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं ये सारे ऑप्शन को। ओके, ये हो गया। ओके, अब क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रह गया, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये आइकन, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकन बॉक्स। तो वो कैसे लगाते हैं आइकन बॉक्स, तो यहाँ पे आपको एड्स एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आइकन बॉक्स ले लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे आइकन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आइकन बॉक्स यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम आइकन बॉक्स ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ पे तीन कॉलम पहले लेंगे। ओके, तीन कॉलम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आइकन बॉक्स ऐड करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, इस आइकन बॉक्स को यहाँ से रिलेट कर देंगे। तो ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम रो सेलेक्ट करेंगे, ये वाला रो अगर आपको दिखेगा नहीं तो आप सर्च कर लेंगे। तो ये वाला रो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ हमको थ्री ही लेना है, तो थ्री वाला ये जो कॉलम है इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इधर हम क्लिक करेंगे, ये जो प्लस वाला आइकन है इस सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए। ओके, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे आइकन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइकन सर्च करेंगे। ओके, आइकन बॉक्स, तो ये आइकन बॉक्स यहाँ से ले लेना है, इसको हम क्लिक कर देंगे। सेम आपको ऐसे ही करना है सब में। मान लीजिए हमको ये वाला टेक्स्ट को लेना है, तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, आप किसी भी साइड से कॉपी मत कीजिएगा, ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कॉपी अगर आप करेंगे तो आपको साइड कॉपीराइट भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ से हम सेलेक्ट मीडिया करेंगे और यहाँ से जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा आइकन बॉक्स, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से यूज दिस इमेज, आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज ऐड करना होगा दे सकते हैं। ओके, तो इमेज का यहाँ पे है आइकन पोजीशन, यहाँ पे हम इसे सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर हो गया। आप चाहे तो इसका जो टाइटल है यहाँ पे दे सकते हैं, टाइटल जैसे टाइटल हम ये दे देते हैं सुपर लो कॉस्ट, जैसे इसमें था सुपर लो कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे सुपर लो कॉस्ट दे देते हैं, सुपर हो गया। देखिए यहाँ पे सुपर लो कॉस्ट हो गया, यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो हम आपको ये जो सेटिंग है, ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है और ये ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको हम हटा देंगे और जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर यहाँ से इसे मिडिल कर देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम इसे मिडिल कर देंगे अलाइन सेंटर, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा आ गया होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो सेम आपको ऐसे ही तीनों में ही करना है। ओके, तो हम यहाँ से इसको कॉपी ही करने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ से
यहाँ से हम डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इसमें इधर में अटैच हो जाएगा। ओके अप्लाई करेंगे, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इस पे जाना है तो आप आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आइकॉन आप चेंज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट भी कुछ लिख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में जाकर के। ओके आपको जो जो चेक करना होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके तो हम एक और ले लेते हैं यहाँ से, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट चूज कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ओके अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे दो एक्स्ट्रा और कॉलम आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, तो उसको आपको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए दो कॉलम। तो यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम डिलीट कर देंगे, डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो गया। और ये इसको भी डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम इसे क्लोज कर देते हैं और सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे वो डिलीट कर देंगे। ओके फिर इसे हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ओके ये तो हो गया। अब हमारे साइट में क्या बचा है ऐड करने के लिए, टेस्टिमोनल इसको बोलते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप देखते रहिए, एक बैनर सेलेक्ट करेंगे तो हम इस साइट में यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं और यहाँ से एक बैनर सेलेक्ट करते हैं। ओके तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप इसका चेंज कर लीजिएगा। आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आइकन पे, तो यहाँ पे आइकन का चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओके ये देखिए यहाँ से आप इसे चेंज आई मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आइकन आप चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके तो हम इसे हाइड कर देते हैं, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप को भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनल लिखेंगे, टेस्टिमोनल तो ये टेस्टिमोनल आ जाएगा, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम के इन ये स्लाइडर का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे। ओके यहाँ पे ये जो बैनर ऊपर में है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अच्छा ये नहीं दिख रहा है। ओके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बैनर को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ओके ओके तो ये आ चुका है। ओके आप चाहे तो इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसमें आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके और इसको आपको मान लीजिए आपको इसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट वाले इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो फेसबुक का जो बटन वटन है वो भी लगा सकते हैं, सॉरी बटन नहीं, मीडिया भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो नाम है मार्क जेंस फेसबुक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पे टेक्निकल जीए लिखते हैं, टेक्निकल जीए लिखते हैं। ओके तो यहाँ पे टेक्निकल जीए लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए ये देखिए। ओके आप चाहे तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं, फिर इसके बाद अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। मान लीजिए सेकंड टेस्टिमोनल है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करना है तो जो सेकंड वाला टेस्टिमोनल है यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। ओके तो इसमें भी आपको जो भी चेंजेस करना होगा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा मोबाइल के लिए अलग करेंगे और पीसी के लिए अलग करेंगे, आपको हर एक के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चूज करना है। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में कुछ इस तरह से ये व्यू दिख रहा है। ओके तो आपको मोबाइल के लिए अलग करना है और इसके लिए अलग करना है। ओके जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो इसका मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही ये दिख रहा है तो इसका कम और ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके तो इस बैनर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे इसका साइज कम कर सकते हैं। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसे कम करेंगे इसका साइज भी कम होने लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके स्लाइड लिख रहा है, यहाँ पे रन लिख रहा है, जूम आउट जूम इन फास्ट, तो यहाँ जो भी आप यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा स्लाइड इफेक्ट। ओके यहाँ से आप इसे साइज का कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके यहाँ पे देख सकते हैं नीचे घूर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइज जो भी आपको देना होगा, कलर बैकग्राउंड कलर जो भी आपको कलर वलर देना होगा यहाँ से देख सकते हैं। ओके फिर इसके बाद अप्लाई कर देंगे हम पीसीबी में अब आते हैं। तो ये रहा बेसिक सा चीज़, आप यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। ओके ओके अब क्या है, अब इसमें हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया टेस्टिमोनल। अब यहाँ आते हैं हम पति की ये
फुटर की ओर। ओके, तो हमारा यहाँ पे तो सब काम हो गया है। अब इसको हम अपडेट करते हैं, इसको भी अपडेट करते हैं यहाँ से। इसका आप चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना होगा। जैसे हम इस पे बैनर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है यहाँ पे, वो भी दे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ही बताया था आपको, इफेक्ट इफेक्ट इसको बोलते हैं। जैसे हम इफेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोनो दे देंगे, तो इसका जो बैकग्राउंड में है इस प्रकार से सोनो शो होने लगे। यहाँ पे आप चाहे तो कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना होगा यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ओके, जो भी आपको कलर देना होगा यहाँ से दे सकते हैं इजीली। ओके, ये ओवरले है तो ओवरले भी कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ पे देना होगा दे सकते हैं इजीली। ओके, फिर यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके, चूज करने के बाद अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसे अपडेट कर देंगे। ओके, अब हमारा तो काम इधर हो गया। अब हमको अपने आना है साइड के फूटर में, फूटर से ही हमको ये सब काम करना है। अब इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। ओके, अब हम ये वाला लगाना सीखेंगे, ये वाला कैसे लगाते हैं। ओके, क्योंकि ये हमने तो सीख लिया ये कैसे लगाते हैं। ओके, तो अब हम ये लगाते हैं, तो ये कैसे लगाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने साइट के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे विजेट का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गए अपने साइट के डैशबोर्ड में, यहाँ से आपको अपीयरेंस का ऑप्शन है, इस पर माउस जैसे ही हावर करेंगे तो यहाँ आपको विजेट का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर ईजिली आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस पर हावर करेंगे अपीयरेंस पे, तो यहाँ विजेट विजेट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा सेटिंग आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये फुटर वन में है। ओके, तो हम फुटर वन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमको लेटेस्ट लेना है, तो यहाँ से हम एक लेटेस्ट का ले लेंगे प्रोडक्ट, जो लेटेस्ट होगा वही हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फूटर वन में, ओके, तो फूटर वन में हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पे। ओके, तो आप कितना आप दिखाना चाहते हो इसमें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितना है, 4 है, इसमें 4 है, देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, आप जितना दिखाना चाहते हो यहाँ पे कर देंगे। ओके, ऑल कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका भी आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑन सेल प्रोडक्ट, इसमें हम क्लिक कर देंगे। चाहे तो इसमें आप ऑल प्रोडक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं फिर यहाँ से। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे हाइड फ्री प्रोडक्ट्स भी हाइड करा सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट फ्री होगा वो यहाँ से हाइड करा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ से इसे सेव कर देंगे। यहाँ यहाँ हम इसको में लेटेस्ट लिखा है, तो हम यहाँ पे लेटेस्ट ही दे देंगे इसमें, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लेटेस्ट ही दे देते हैं। ओके, फिर यहाँ से सेव करते हैं, सेव करने के बाद डन कर देंगे। ओके, अब दूसरा, अब जो दूसरा है, दूसरा एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा हमको यहाँ से लेना है, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में ही जाना है यहाँ से। ओके, तो इसको भी हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे फूटर वन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से ऐड विजेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या है, बेस्ट सेलिंग शायद होगा, हाँ बेस्ट सेलिंग, तो यहाँ पे हम बेस्ट सेलिंग यहाँ पे डाल देंगे। बेस्ट सेलिंग यहाँ पे डाल दिए। ओके, यहाँ पे आप जिसको भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो हम ऑल प्रोडक्ट पे दे देते हैं या सेव कर देते हैं, फिर यहाँ से हम इसे डन कर देंगे।
जैसे ही सेव करेंगे हम यहाँ से एक डन कर देंगे। ओके ये तो हमारा हो गया। अब ओके फिर एक हमको एक और प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है, जिससे यहीं से हम ले लेते हैं। आपको 2 से 3 बार इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करना है। ओके फिर यहाँ ऐड टू विजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके तो इसमें हम यहाँ पे ये जो शो लिखा है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन सेल प्रोडक्ट दे देंगे। ओके यहाँ से हम इसे 4 दे देंगे, क्योंकि हमारा 4 ही था। आप सब में 4 4 देते जाएंगे। ओके तो इसमें क्या था, फ्यूचर, तो इसमें फ्यूचर लिख देंगे। ओके फ्यूचर हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके फिर यहाँ से हम सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे डन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें हम क्लिक कर दिए। अब एक हमको और लेना है, यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट बाई रेटिंग का। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट बाई रेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ से हम इसे फुटर 1 में ऐड कर देंगे। अब फुटर 2 में ऐड करना चाहते हैं तो फुटर 2 में, फुटर 1 में तो 1 में। तो फिर यहाँ ऐड टू विजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से हम इसे 4 दे देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर यहाँ से डन कर देंगे। ओके हमने तो ये वाला लगा लिया। इसको मैं कलर चेंज करने के लिए आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन करना पहले कर लेते हैं, इसके बाद इसका कलर हम बता देंगे कैसे चेंज करना है। ओके तो अब हमको क्या लगाना है, सिंपली ये वाला बटन लगाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ओके ये कैसे लगाते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको पेज क्रिएट करने पड़ेंगे UX बिल्डर में जा करके। ओके 2 पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके तो क्रिएट कैसे करना है, तो सिंपली अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे UX ब्लॉक का एक ऑप्शन आएगा, जैसे मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। UX ब्लॉक्स, यहाँ से आपको UX ब्लॉक्स को चूज करना है, चाहे तो ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ओके तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। पहले हम UX ब्लॉक को देख लेते हैं, शायद कोई क्रिएट हो पहले से। ओके यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ से ऐड न्यू का जो ऑप्शन है यहाँ से हम क्लिक करेंगे और एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट अस, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस। और ये जो टेक्स्ट है हम यहाँ से इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। इस टेक्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे। ओके ये हमारा पेस्ट हो गया। ओके फिर से हम जाएंगे ऐड न्यू पे। अब हमको ये वाला लेना है, साइन अप फॉर न्यूज लेटर। ओके हमको ये वाला लेना है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप फॉर न्यूज लेटर। ओके तो हम यहाँ पे साइन अप फॉर न्यूज लेटर लिख देते हैं। अब क्या करना है, हमको ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना है। इसका ये जो आईडी है, जो ये आईडी कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ। तो हम इसको इस सिंपली टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, हम इस जो शॉर्ट कोड है उसको हम कॉपी नहीं करेंगे। ओके हम ये वाला शॉर्ट कोड कॉपी नहीं करेंगे। ओके ऊपर वाला ये वाला टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वाला टेक्स्ट को। ओके तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। सॉरी ये आया नहीं, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके ये हो गया, यहाँ से पेस्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक और यहाँ पे ये जो एक प्लगइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो प्लगइन कहाँ से लाना है मैं आपको बता देता हूँ।
तो हम इसे यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम फिर से एक डैशबोर्ड में एक दूसरा सा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले डैशबोर्ड में आपको कुछ सेटअप करना है इसीलिए। ओके, तो यहाँ से है आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है WP फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं WP फॉर्म, तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएंगे, प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ऐड न्यू पे जाएंगे। तो यहाँ से आप सर्च बार में लिखेंगे WP फॉर्म। ओके, WP फॉर्म जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ये प्लगइन यहाँ पे दिखने लगेगा, ये वाला प्लगइन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑथर का नेम है WP फॉर्म। ओके, तो ये वाला प्लगइन को आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो आप इस पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम न्यूज लेटर का फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो इस वाले क्रिएट ए न्यूज लेटर साइन अप फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ से आप चाहे तो जो भी आपको यहाँ पे लेना है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ईमेल का ही रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके ओके, हम केवल ईमेल ही रहना देते हैं। ओके, आपको जो भी ऐड करना होगा यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, तो यहाँ पे इजीली ये आ जाएगा। ओके, तो हम इसको केवल ईमेल पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ईमेल से कोई बंदा यहाँ पे नहीं न्यूज लेटर प्राप्त कर सकता है। ओके, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, सेव सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इनवाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस शॉर्ट कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ओके, और इस वाले सेक्शन में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो हमने अभी एडिट किए थे, ये वाला, तो इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे शॉर्ट कोड को। ये हो गया, अब यहाँ से हम इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद फिर से हमको अपने डैशबोर्ड में आना है, यहाँ तो हमारा काम होगा, इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, फिर इसको सेव कर देंगे। ओके, ये सेव हो गया, इसको हम यहाँ से डैशबोर्ड में यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये तो हो गया। तो यहाँ से हमको अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे हमको विजेट का ऑप्शन है, इस पे जाना है। तो यहाँ से हमको एक जो फुटर टू है इसमें हमको ऐड करने हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फुटर टू में हमको लेना है। ओके, फुटर टू को हम इनेबल यहाँ से कर देंगे। यहाँ से हम फ्रेडसम ब्लॉक का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुटर टू में हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम टाइटल देंगे जो भी हमको देना है, जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं अबाउट अस है, तो हम इसमें अबाउट अस ही दे देंगे। ये अबाउट अस है, या यहाँ पे ब्लॉक जो आप देख रहे हैं इसको आपको नन पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से अबाउट अस का पेज है इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से इसे सेव कर देंगे। फिर यहाँ से इसे हम डन कर देंगे। फिर से हमको एक ये जो फ्लेक्शन ब्लॉक दिख रहे हैं इसको लेना है यहाँ से फुटर टू में, फिर ऐड टू जेट में कर देना है। फिर यहाँ पे लिखना है न्यूज लेटर फॉर साइन अप, यहाँ पे न्यूज लेटर लिख दे सकते हैं, न्यूज लेटर फॉर साइन अप। ओके, अब यहाँ पे हमको ब्लॉक का जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करना है, नन वाले ऑप्शन में, यहाँ पे साइन अप फॉर न्यूज लेटर पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, फिर यहाँ से डन कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अब ये कौन सा है, क्विक लिंक, और ये जो ये लिंक है ये भी ऐड करना है। ओके, तो क्विक लिंक हम लेते हैं, ये कैसे लेना है, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से एक नेविगेशन मेनू का ऑप्शन दिखेगा यहाँ से, ये वाला, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम फुटर टू को दे देंगे।
ऐड टू विजिट कर देंगे पूरा टू को सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ से हम कुछ भी जो भी आपको लिखना है क्विक लिंक, हम यहाँ पे क्विक लिंक लिख देते हैं। ओके, क्विक लिंक हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमको सेट करना है हेडर मेन्यू। ओके, फिर यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे तो जो भी हमारा हेडर में मेन्यू होगा यहाँ पे इजीली दिखने लगेगा। फिर इसे हम यहाँ पे डन कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब बचा ये वाला, तो ये वाला कैसे करते हैं, सिंपली आप यहाँ पे कस्टम HTML चूज करेंगे, यहाँ से इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसमें फुटर टू वाले ऑप्शन में। ओके, नीचे साइड में। तो आप यहाँ पे कोई इसका भी टाइटल दे सकते हैं, अर्न मनी टू यू आर सर्ट, जो भी आपको लिंक देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसका ही देना है तो हम इस पर डाल देंगे। ओके सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको उसका URL शॉर्टनर का ये लिंक डालना है। URL शॉर्टनर का मेरे पास लिंक है मेरा अपना साइट का, जो मैंने हमारा अकाउंट है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना URL शॉर्टनर का लिंक और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। फिर यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम अपने साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे। ये तो अभी सेव ही हो रहा है, हाँ ये सेव हो गया है। अब हमको व्यू पोस्ट पे, सॉरी, इसको हम नया विंडो में यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं अपने साइट को किस प्रकार से यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी ऐड किए तो यहाँ पे आ गया होगा नीचे साइड में। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे यहाँ पे आ चुका है। ओके ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज लेटर भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इसका लिंक अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप UX जो ब्लॉग था उसमें आप जा करके चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको हेडर फुटर का ऑप्शन देना होगा यहाँ पे लिंक का। जैसे अबाउट अस का पेज में यहाँ था तो यहाँ पे फेसबुक का लिंक है, तो जो हैश वाला ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक आप फेसबुक का जो भी लिंक होगा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हैश वाले ऑप्शन पे। ओके, हैश वाले ऑप्शन काट के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मेरा ये है फेसबुक का लिंक, तो हम इसको यही डाल देंगे। ओके, हैश वाले ऑप्शन पे आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक है तो इंस्टाग्राम का दे देंगे, ट्विटर का लिंक है ट्विटर का, यहाँ पे ईमेल अपना दे देंगे जो भी आपको देना होगा। यहाँ पे यूट्यूब का जो URL है यहाँ पे दे देंगे। सेम आपको ऐसे ही करना है, मान लीजिए फेसबुक का URL है तो यहाँ पे फेसबुक का URL यहाँ पे दे देंगे हैश वाले ऑप्शन में। ओके, अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर को कैसे चेंज करना है हम आपको बताते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना है, स्टेप बाई स्टेप आपको बताते हैं, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कस्टमाइज़ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इसको हम न्यू विंडो में खोल लेते हैं क्योंकि हमको इस साइट को व्यू करना है यहाँ पे। ओके, हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं। कलर को ऐसे के चेंज करना है, आप स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे देखते रहिए। ओके, हमको कलर चेंज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। ओके, तो ये आ गया। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली जो स्टाइल का ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर्स का जो ऑप्शन है इसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको जो भी कलर देना होगा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बेस कलर है आप देख रहे हैं ये वाला चेंज होगा यहाँ पे। ये अगर बेस कलर यहाँ पे चेंज करेंगे तो ओको, तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, लिंक कलर, लिंक कलर आप जो रहे देख रहे हैं ये वाला लिंक। ओके, जहाँ पर भी साइड में लिंक होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको ब्लू कर देते हैं। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इसे ब्लू कर देते हैं। ओके, तो देखेंगे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। लिंक हावर, हावर में मतलब जैसे इस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो इसका कलर कैसा होना चाहिए ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेड करना चाहते हैं, जैसे हम इस पर हावर करेंगे इसका जो कलर है यहाँ पे रेड हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप जिसमें भी हम हावर करेंगे उसका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। ओके, विजेट लिंक कलर, इसमें भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा कर सकते हैं।
ये आ गया, इसको हम ब्लू ही कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। ओके तो ये हो गया, तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके अब ऐड टू कार्ट का जो बटन है यहाँ पे देख सकते हो ऊपर साइड में, ऐड टू कार्ट बटन कैसा ये वाला है, इसका कलर यहाँ पे चूज करने के लिए दिया है, आप कौन सा कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ओके और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सेल जो बबल लिखा है, यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं ग्रीन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्ट किया ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पे इजीली दिख रहा है। ओके ओके यहाँ पे रिव्यू स्टार, इसका भी कलर चूज कर, और रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कटा हुआ है इसको रेगुलर प्राइस बोलते हैं, इसको हम सेल प्राइस बोलते हैं। ओके तो इसका कलर और इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। तो रेगुलर प्राइस का हम यहाँ पे रेट कर देते हैं, यहाँ पे हम रेट कर देते हैं रेगुलर प्राइस का। ओके और जो सेल प्राइस है उसको हम ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसे ग्रीन कर देंगे, सॉरी ये वाला ग्रीन। ओके तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पे रेड ग्रीन यहाँ पे दिखने लगे। ओके फिर यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे, सारा सेटिंग होने के बाद पब्लिश कर देंगे। अब इस साइड को एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जो हमने यहाँ पे सेटिंग किए थे ये आया है या नहीं आया है। यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते हैं जो हमने ऐड किया था ये आया है नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमने इसका कलर चेंज किया था यहाँ पे दिख रहा है। ओके अब हमको इसका कलर चेंज करना है, तो ये कैसे करेंगे आप देखते रहिए। ओके तो इसके लिए हमको इसी वाला ऑप्शन में आना है, और यहाँ से हमको फुटर का जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे, इसमें यहाँ से बैक करेंगे, और ये जो फुटर का ऑप्शन है इसमें चूज करेंगे हम। तो हमारा फुटर टू था, तो उसका हम टू का कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। ओके ये फुटर वन है, हाँ ये रहा हमारा फुटर टू। ओके ये रहा फुटर टू, इसमें हम बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे, जो भी आपको देना होगा यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कलर है या कुछ अच्छा नहीं होगा। ओके जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही यहाँ से हम कुछ कलर चूज करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी सेम ऐसा ही आ जाएगा जो हम कलर यहाँ पे चूज करेंगे। ये देखिए जो हमने कलर यहाँ पे चूज किया है यहाँ पे आ चुका है। ओके आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से पब्लिश कर देंगे, प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकेंगे इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने कलर यहाँ पे चूज किए थे ये आया है या नहीं आया है। आई एम श्योर ये शायद आ गया होगा अब, क्योंकि हमने वहाँ पे सेटअप कर लिया। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके इसका भी सेम वैसा ही कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एब्सोल्यूट फुटर इसी को बोलते हैं नीचे वाले को। ओके तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके और यहाँ से हम इसे बैकग्राउंड जो भी लेना होगा यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला देना है, मान लीजिए हमको ये ग्रीन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन आ गया, तो ग्रीन अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम ये वाला दे देते हैं। ये देखिए आपको जो भी कलर अच्छा लगे यहाँ से चूज करके इसको इजीली रख सकते हैं। ओके ओके जो भी आपको यहाँ पे देना होगा दे सकते हैं। ओके फिर कलर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम अपने साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि ये जो हाँ यहाँ पे हमने कलर चूज किया था ये आया है नहीं आया है। अब हम इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कि जो हमने ऐड किया था यहाँ पे आया है नहीं आया। ओके तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे कलर यहाँ पे इजीली दिख रहा है। ओके इसी प्रकार से आप इसका भी कलर चूज कर सकते हैं, वो भी कलर्स का ऑप्शन जो है उसमें जा कर के। ओके तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख पाएंगे कैसे इसको किया जाता है। ओके तो फ्रेंड आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर
वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। शायद इस वीडियो को बनाने में एक एक दो पार्ट यहाँ पे शायद मिसिंग भी हो चुका होगा, तो अगर कुछ मिसिंग हो चुका होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये वाला कैसे होता है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं होता है तो आप हमें सीधे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके, कौन सा आपका पार्ट डिज़ाइन करवाना है वहाँ से हम इसे बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।